दोस्तों यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का जो है वो सलार के ऊपर काफी शानदार रिएक्शन सामने आता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ बोलते हुए देखने को मिले हैं। सलार जो है वो काफी बड़े रिकॉर्ड तोड़ती हुई दिखाई दे सकती है। इस मूवी के अंदर प्रशांत नील है और उसी के साथ यहाँ पर जो को हमको प्रभास का जो मूवी देखने को मिलने वाली है सलार, वो काफी बड़े रिकॉर्ड तोड़ेगी। सलार एक एक्शन मूवी है तो कहीं ना कहीं पब्लिक जो है वो आजकल की एक्शन मूवी को पसंद करती है, तो एक दोस्ती का मिसाल बनती हुई देखने को मिलेगी ये मूवी। तो कहीं ना कहीं इस मूवी की जो हाइप है वो बनना ही जरूरी था। और सलार की जिस तरीके से जो हाइप है वो भाई साहब, उसको देखने के बाद तो यही लग रहा है कि सलार जो है काफ़ी बड़े रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। हर थिएटर हर जगह के ऊपर जो है सलार के पोस्टर्स देखने को मिल रहे हैं। सलार की जो हाइप है वो डे बाय डे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर काफ़ी जगहों पर जो है पोस्टर्स लगते हुए देखने को मिल चुके हैं। वहीं यहाँ पर जो सलार का ट्रेलर रिसेंटली रिलीज हुआ था उसके ऊपर जो है 140 मिलियन से भी ज़्यादा जो है वो व्यूज़ आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। पॉलिटिशियन से लेकर यहाँ पर जो है वो बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री के अभिनेत्रा हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट के अंदर हैं सलार की। अब देखते हैं यहाँ पर सलार कैसा परफॉर्म करती है, क्योंकि यहाँ पर सलार की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑल ओवर इंडिया के अंदर होती हुई देखने को मिल चुकी है और डे बाई डे जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन और भी ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों सलार के फैन, प्रभास के फैंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है सलार मूवी को देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ट्रेलर के हिसाब से यही लग रहा है कि एक्शन काफ़ी ज़्यादा दबंग दौड़ है। वायलेंस जो हमको इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है वो भी ज्यादा है। और ये जो मूवी है यहाँ पर जो कि एक एक्शन और एक डार्क मूवी है, तो कहीं ना कहीं इस मूवी की जो हाइप है वो और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। अब देखते हैं ये जो डंकी बस सलार का क्लैश है उसके अंदर क्या जो कि यहाँ पर सिनेरियो होते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पर डंकी के अंदर भाई साहब राजकुमार हिरानी और शाहरुख हैं। अब देखना ये है कि दोनों के अंदर कौन सी जो मूवी है और यहाँ पर कौन से जो डायरेक्टर एक्टर है जो कि बाजी मारते हुए देखने को मिलते हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन दोनों के अंदर कौन सी मूवी जो है सबसे ज़्यादा कलेक्शन करती हुई दिखाई दे सकती है, डंकी या फिर सलार? ये जो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आपकी फर्स्ट चॉइस क्या होगी, सलार या फिर डंकी, ये भी जो कि मुझे आप बताना मत भूलिएगा। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो सलार के बारे में थी, और यहाँ पर सलार, डंकी या फिर किसी मूवी के बारे में अपडेटेड रहना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम यहाँ पर हर एक जो अपडेट है वो आप तक सबसे पहले पहुँचाते रहेंगे। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। कीप वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हरे कृष्णा राधे राधे।